से विनंती करता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यहां पर आगमन हो रहा है। हम जोर और तालियों से और घोषणाओं से स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। राष्ट्रभक्त की आवाज और जोर से आने चाहिए। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनंती करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करें। महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर गौ ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस हिंदवी स्वराज संस्थापक म्रज राधे शिव छत्रपति श्रीमंत शिवाजी महाराज। मैं और अधिक समय न लेते हुए आदरणीय जरा आप सभी कृपया आप अपनी जगह बैठ जाइए। तालियों से हम इसका समर्थन करेंगे। आपकी बात उत्तर मुंबई में 6-0 से सारी की सारी विधानसभाएं हम जीतने जा रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड मतों से। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। आणि त्यानंतर शिवा शेट्टी माजी नगरसेवक आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी पक्षात प्रवेश करता है। त्यांचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करीत आहोत। माझी मीडियाच्या सर्व मित्रांना विनंती आपले कॅमेरे सेट करून आपण नंतर खाली बसा। शिवा शेट्टी आणि त्याचे सर्व सहकारी मीडियाच्या कृपया मित्रांना विनंती आपले कॅमेरे सेट करा आणि आपण नंतर खाली बसा। यानंतर शिवसेना आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने श्री योगी आदित्यनाथ जी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि गत लोकसभा चुनाव में आप सब ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है और बनाने के साथ ही मोदी जी का दूसरा कार्यकाल देश और दुनिया के लिए अनूठा कार्यकाल के रूप में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, इस देश के अंदर आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन मुद्दों को लेकर के पंडित नेहरू के साथ उनका भारी मतभेद हुआ था, उसमें से एक मुद्दा था कश्मीर में धारा 370 को लागू करना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका विरोध करते रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। ऐलान कर दिया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लिया है। भाइयों बहनों, इस देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। ये देश के हित के लिए लिया गया एक साहसिक निर्णय है। भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत के अंदर विकास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समान रूप से पहुंचे, इस दृश्य ये फैसला
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती थी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ले सकती थी, और उस सरकार ने निर्णय लेकर के देश के सामने एक सुनहरे भविष्य को प्रस्तुत कर दिया है। जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, भाइयों बहनों, ये अचानक आम जन की प्रतिक्रिया नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई थी, और बाढ़ के समय भी आपने देखा होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वे आपके बीच में नहीं आए होंगे, और जब चुनाव आए हैं तो चुनाव के समय भी आम जनमानस की भावनाएं इस बात को कहती थी कि जो आपके दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता है वह व्यक्ति वोट लेने का हकदार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने इटली की राह फिर से पकड़ ली है, वे इटली के लिए फिर से प्रस्थान कर गए हैं, वे आएंगे भी नहीं, और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि पूरा देश इस बात को मान चुका है कि मोदी जी ने 2013 में इस देश की जनता के सामने जो संकल्प लिया था कि देश की राजनीति के एजेंडे को बदलेंगे, देश की 1947 से चली आ रही राजनीति का जो एजेंडा चला रहा था, जाति मत मजहब परिवार क्षेत्र भाषा इस सब से अलग हट करके देश की राजनीति का एजेंडा होगा विकास, देश की राजनीति का एजेंडा होगा सुशासन, देश की राजनीति का एजेंडा होगा राष्ट्रवाद। हमारे लिए राष्ट्रवाद आतंकवाद को सर्वथा समाप्त कर देना नक्सल राष्ट्रवाद है, और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की आखिरी ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके एक चेतावनी पाकिस्तान को भी दे दी है। आपने देखा होगा 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उस कालखंड में पाकिस्तान आंखें दिखाता था, मुंबई पे आतंकी हमला होता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर विस्फोट होते हैं, कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, कभी देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी पर आतंकी हमला होता है, कभी लखनऊ में ब्लास्ट होते हैं, कभी गोरखपुर में ब्लास्ट होते थे, कभी रामपुर में होते थे, और कभी मुंबई पर, कभी सूरत पे आतंकी हमले करके कांग्रेस की सरकार की उस समय के कार्यकाल को देश ने देखा है। लेकिन मोदी जी की सरकार के और देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा आपके सामने है, एक भी आतंकी घटना नहीं घटित हुई, बल्कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देता है कि पता नहीं कब बालाकोट की तरह कोई एक एयर स्ट्राइक, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की घटना घटित हो जाए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज दुनिया के अंदर गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देता है। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम, एक साथ भारत का 136 करोड़ का जनमानस प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर से बोलता हुआ दिखाई देता है, और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विकास की एजेंडे का आधार हमारा गांव होगा, हमारा गरीब होगा, हमारा किसान होगा, हमारा नौजवान होगा, हमारी बहन बेटियां होंगी, हमारा व्यापारी होगा, समाज का प्रत्येक तबका होगा, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और यही तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था भारत हमारे लिए केवल मिट्टी का टुकड़ा मात्र नहीं है, साथ साथ जगत जननी माँ भगवती है हमारे लिए, और जगत जननी माँ भगवती के रूप में ही हम इसकी वंदना करते हैं, इसकी अर्चना करते हैं, यहाँ का कण कण अभिनंदनीय है, वंदनीय है, हम जिएंगे तो भारत के लिए,
और मरेंगे तो भारत के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी और उससे गठबंधन से जुड़े हुए दलों का आह्वान है। समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला जिसमें आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है, उन कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने एक ही संकल्प लिया है भारत माता के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह कार्य एजेंडा और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के 15 वर्षों का महाराष्ट्र का कुशासन, 10 वर्षों तक केंद्र में यूपीए सरकार का कुशासन, रोज एक न एक नया घोटाला आता था, रोज कहीं न कहीं उपद्रव होता था, दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, आतंकवादी घटनाएं घटित होती थी और उन सब में सरकारें मौन रहती थी, देश का खजाना लूट करके विदेशों विदेशी बैंकों में जमा किया जाता था, लेकिन एक भी शब्द कांग्रेस या एनसीपी के नेताओं के मुंह से नहीं निकलते थे। आज आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आतंकवाद का मुद्दा हो, अलगाववाद का मुद्दा हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो या भ्रष्टाचार से जुड़ा, इसकी नीति के साथ कार्य करेगी और आज दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां पर हैं वहां वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए हमने आतंकवाद के खिलाफ नक्सलवाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है और हमारा संकल्प है कि हम भारत की आन मान और शान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और जो आन मान और शान के साथ खिलवाड़ न करने देने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है, यह संकल्प न केवल देश के अंदर, न केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी भी यह संकल्प हम सबको दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूएसए की यात्रा में जाते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूके की यात्रा में जाते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और जर्मनी की यात्रा में जाते हैं, तब भी दिखाई देता होगा पूरा देश उनके स्वागत के लिए पांव पलक पावड़े बिछा करके स्वागत के लिए उतावला दिखाई देता है और ये दिखाई देता है ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं बल्कि इस देश की 136 करोड़ आबादी का भी सम्मान इसके साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें देश के 136 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ा रहे हो, वहां पर हम सबका दायित्व तो बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजें, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी या आरपीआई के हो या शिवसेना से जुड़े हुए हो। और फिर जब महाराष्ट्र की बात आती है, प्रदेश से प्रजा प्रचार के लिए बोला गया, मैंने कहा मैं आऊंगा। आज प्रातः काल सबसे पहले मुझे महाराष्ट्र की धरती पर पहली सभा प्रातः 11 बजे करने का अवसर प्राप्त हुआ और भाइयों बहनों, मैंने पहली सभा वहां पर की थी नांदेड़ में, जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। भारत के अंदर सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड भाजे का उद्घोष करने वाली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के का उद्घोष इस महाराष्ट्र की धरती पर भी सुनाई देता है। मुझे दूसरी सभा करने का अवसर प्राप्त हुआ था जलगांव में और उसके बाद तीसरी सभा जिनके नाम पर हमारे आदरणीय नेता श्री राम नाईक जी के संकल्प में देश की संसद ने जुड़ करके मुंबई नाम दिया था, मुंबा देवी शक्तिपीठ में प्रांगण में सभा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अब ये कांदिवली में ये सभा भी करने का सौभाग्य मुझे आप सबके सामने प्राप्त हो रहा है। राष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का संबंध त्रेता युग से चला रहा है, भगवान राम को राम राज्य की स्थापना की आधारशिला महाराष्ट्र की धरती में नासिक के अंदर ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यही नहीं,
मध्यकाल में, मध्यकाल खंड में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भगवान राम और मां जानकी के कारण है। कितना अभिन्न संबंध है, उन संबंधों को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। और हम लोगों ने तो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया है। मैं आह्वान करूंगा 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने वाले हैं और 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा से। जब वे राज्यपाल थे आज से 2 वर्ष पहले हम लोगों ने भव्य दीपोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया था और इस बार हमारा संकल्प है अयोध्या में 5,51,000 दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा और उसके साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा की विजय को भी दीपोत्सव के रूप में मनाने का कार्य हम भगवान राम की पवित्र स्थली अयोध्या में ही करेंगे। मध्यकाल के उस कालखंड में, जिस कालखंड में धर्म और देश की बात करना दुरूह कार्य था, उस कालखंड में इस कार्य को किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके। और हिंदवी साम्राज्य में छत्रपति की उपाधि को देने के लिए कहीं से कोई पुरोहित मिले तो वह उत्तर प्रदेश के काशी से ही बागा भट्ट नाम के एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया था। कितनी बड़ी परंपरा के साथ हम जुड़े हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता था जब आदरणीय राम नाईक जी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थे, वे अक्सर इस बात को कहते थे और इस बात को कहते थे कि काशी में जितने घाट हैं इनको किसी न किसी मराठा सरदार ने या किसी न किसी एक मराठी परंपरा से जुड़े हुए सभी नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उन संबंधों को प्रदर्शित करता है जो केवल राजनीतिक नहीं, उससे कई आगे जाकर के सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इन संबंधों को और मजबूती प्रदान किया था आदरणीय राम नाईक जी ने राज्यपाल के रूप में। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के इन संबंधों को भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि थे, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी उत्तर प्रदेश में अक्सर उन कार्यक्रमों को, चाहे वह तिलक के 101वें उस उद्घोष को कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर के ही रहूंगा। लखनऊ में 1916 में यह उद्घोष तिलक ने किया था और तिलक जी के उद्घोष के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने लखनऊ में किया था, उस कार्यक्रम में स्वयं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न स्कूलों में मराठी भाषा को पढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ करने का कार्य हो या फिर गीत रामायण के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ हो, वाराणसी हो, आगरा हो, मेरठ हो या फिर अलग अलग स्थानों पर गीत रामायण की मराठी अनुवाद को प्रस्तुतिकरण का बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम ये लगातार चलते रहे। और आज उसी कड़ी को फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय राम नाईक जी भी इस मंच पर है। कार्यकाल बात उल्लेखनीय रहा है, अनुकरणीय रहा है, अभिनंदनीय रहा है और आज इस मंच पर भी उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, इतनी भारी संख्या में जुड़े हुए आप सभी भाई बंधुओं को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा कि भाइयों बहनों, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक जैसी सरकार हो। कोई संदेह नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई फिर से मिलकर के सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाएगी। लेकिन विकास को जोड़ने के लिए आपने खासकर
श्री गोपाल सेट्टी को बनाया है। गोपाल सेट्टी एक योग्य और जुझारू नेता है, लेकिन आमदार भी यानी विधायक भी उनके साथ होना चाहिए। और इस कड़ी में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्री अतुल भातकलकर जी को आप भारी मतों से चुनाव जिता करके यहां से भेजें। एक अपील आपके साथ में श्रीमती मनीषा ताई चौधरी हैं, ठाकुर रमेश सिंह जी हैं, श्री प्रकाश सुरवे हैं, ये जितने भी हमारे आमदार के प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा सीटों से हैं, इन सबको भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आया हूं, जिससे अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम 24 अक्टूबर को उसका रिहर्सल महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से प्रारंभ हो जाए और फिर उसकी भव्यता 26 अक्टूबर को अयोध्या में देखने को प्राप्त हो। इस संकल्प के साथ मैं आज के इस अवसर पर श्री सुनील माने, ये बोरीवली से उम्मीदवार हैं, ठाकुर रमेश सिंह जी मलाड से हैं, श्रीमती मनीषा ताई चौधरी दहीसर से, श्री अतुल भातकलकर जी गांधीवली से, श्री योगेश सागर चारकोट से, इन सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने के अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय योगी जी यहां पर आगे खड़े होंगे, हम जोरदार घोषणा देकर समर्थन देंगे, बोलिए भारत सभी का बहुत बहुत आभार मानता हूं।